इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चैंपियंस के स्वागत की तैयारी हो रही है और आपको बता दें एयरपोर्ट पर इस वक्त जबरदस्त माहौल है दिल्ली के हवाई अड्डे पर, जहां पर लगभग 5:15 बजे के करीब खिलाड़ी हमारा ओलंपिक कंटिंजेंट जो है वो लैंड करेगा। कुछ तो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी वो पहले लौट आए थे उनकी। बिल्कुल, अच्छा लैंड कर चुके हैं, हमें लैंड कर चुके एटीसी से खबर आ रही है कि वो लैंड कर चुके हैं। खबर पक्की है हमारे ओलंपियंस लैंड कर चुके हैं। बिल्कुल, और सारे हीरोज लैंड कर चुके हैं, टोक्यो से दिल्ली पहुंच चुके हैं मेडल्स लेकर हम सबके लिए, और उनके स्वागत में देखिए हमने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो सौरभ जी या फिर इंडिया टीवी की बात हो, पूरी तैयारी इंडिया टीवी पर है। एक से बढ़कर एक आज स्पोर्ट्समैन हमारे साथ होने वाले हैं, हमारे साथ एक पूरा पैनल है यहाँ पर जो अगले 1.5-2 घंटे तक यहाँ पर हमारे साथ रहेगा इनके स्वागत में, और हम सब मिलकर बात करेंगे, स्वागत करेंगे इन चैंपियंस का। लेकिन माहौल तो इस वक्त वाकई में एयरपोर्ट का है कि एयरपोर्ट में होना इस वक्त वाकई में ऐसा लगेगा जैसे टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में हो, जहां पर हमारे संवाददाता जैसा कि हम पहले भी दिखा चुके हैं कि पवन नाड़ा भी हैं और कोनिका अरोड़ा भी वहां पर मौजूद हैं और अशोका होटल में विजय लक्ष्मी भी तैयार है। देखिए क्या तैयारी कर रखी है, कोनिका से बात करने की कोशिश करते हैं जरूर। हालांकि वहां इतना जबरदस्त इस वक्त एम्बियंस है कि हो सकता है वो हमें सुन पाए ना सुन पाए। कोनिका अगर सुन पा रही है तो जरा तस्वीरें दिखाइए, माहौल बताइए। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि माहौल दिखाइए, वो पूछ रही है कि क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं देगा हमें मालूम है। सौरभ आपने बिल्कुल वही पॉइंट आउट किया था, पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं। दूसरी तरफ तस्वीरों में तो आप देख ही सकते हैं और गोनिका के पीछे भी आप एक लोगों की भारी भरकम भीड़ देखेंगे। गोनिका कोशिश कर रही है हमारी आवाज सुनने की, लेकिन इस ढोल नगाड़ों के बीच गोनिका को आवाज नहीं पहुंच सकती है, हमें भी मालूम है। ये माहौल यहाँ का बड़ा जबरदस्त है आज। जिया बैंड, जैसा कि मेरे सहयोगी सौरभ जी ने बताया कि ये भी एक ऐतिहासिक बैंड है दिल्ली का। अरे आप ये बता दिए समीप जल्दी से कि कौन कौन से खिलाड़ी आज हमको दिखाई दे रहे हैं और कितने पहले वापस आ चुके हैं। अच्छा नहीं, 2 खिलाड़ी पहले से अशोका होटल में पहुंचे हुए हैं आज सुबह, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू पहुंच चुकी हैं और बाकी ये जो जितने भी मेडलिस्ट हैं वो इस हवाई जहाज से अभी अभी लैंड हुए हैं, जैसा कि एटीसी से खबर आई हमारे को, है ना। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है बिल्कुल लगे हुए हैं एयरपोर्ट के साथ संपर्क बनाए हुआ है, यानी कि पवन नारा और गोनिका बता रही है कि प्लेन जो है लैंड हो चुका है और किसी भी वक्त वो बाहर आने वाले हैं, और सारे ऑफिशियल्स अधिकारी एसोसिएशन के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पहुंचे हुए उनके स्वागत। ये देखिए जरा तिरंगा हाथ में लेकर के ढोल नगाड़े के साथ आए। कहां से आए आप? नारी गांव से। सोचा था कि गांव का नाम इंटरनेशनल लेवल पे आएगा। हाँ जी सोचा था, मेहनत देखी मैंने पूरी खुशी है सभी गाँव वासियों को, भारत में पूरे भारत में खुशी है, पूरी इंडिया को, पूरे हरियाणा को, पूरे गांव को, पूरे देश को खुशी का मौका है। रवि दहिया के घर से आए हैं और इनकी खुशी देखते ही बनती है। ये वो तिरंगा किसान परिवार में पैदा हुआ रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक्स में जाकर सिल्वर लेकर आता है, चोटी का विश्व का नंबर 2 खिलाड़ी होने का हौसला पाता है, वो इसी मिट्टी की पहचान है। और ये देखिए एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए देसी घी के लड्डू, आपको मुबारक, बस आपसे 10 सेकंड लूंगा। एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो आपको ये दिल्ली वाले तो कारपेट पहचान देख करके बता देंगे कि T3 है, ये T3 है बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर हमारे कुछ एथलीट पहुंच चुके हैं और ये ग्रुप फोटो आपके सामने, ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं और अभी अभी लैंड हुए हैं। टोक्यो से दिल्ली करीब 7-8 घंटे की फ्लाइट होनी चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं कितने घंटे लगते, शायद 8 घंटे की फ्लाइट है और उस उड़ान को भरकर यहां पर लैंड हो चुके हैं। ये तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, स्वागत की तस्वीरें हैं ये, और ये सब जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जो पूरा माहौल आपको दिखा रहे हैं, मैं यहां पर हूं और सौरभ जी मेरे साथ है, हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश हमारे साथ जुड़े और इस उनके इन चैंपियंस के स्वागत के लिए तैयार रहे और स्वागत करें। ये है अंदर की तस्वीरें और ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो एथलेटिक्स का कंटिंजेंट हमारा था वो सबसे पहले दिखाई दिया है, और हमारे सारे पदक विजेता तो हैं ही, जिनमें सबसे बड़े सुपरस्टार आज की भारत की खेल की दुनिया के नीरज चोपड़ा वो हैं, उनके अलावा रवि दहिया जिनके गांव से लोग आए हुए हैं, और एक बार फिर हम उन्हीं के पास चलते हैं। एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त पवन नारा मौजूद है। पवन,
चैंपियन बन के आता है तो बाकी खिलाड़ियों के लिए कैसे वो एक उम्मीद की किरण बनता है, एक प्रेरणा बनता है, और ये सारा खेल उसी प्रेरणा का है। छत्रसाल स्टेडियम जहां से 4 ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी निकले, पिछले ओलंपिक में सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जीते थे, और अब की बार रवि दहिया और बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने में कामयाब रहे हैं। सोचिए उस स्टेडियम का क्या महत्व होगा जहां 4 ओलंपिक मेडलिस्ट रहते हैं। सोचिए उस मैट को कितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है उस माहौल में उन खिलाड़ियों को कि उनके साथी खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन है, मेडल जीतते हैं, ओलंपिक में अपनी थांक जाते हैं। ये रवि दहिया के गांव वाले लोग अपने झंडे बैनर के साथ आए हैं और नाचते हुए आपको देखते हुए खुशी होगी कि ये नाच कर जश्न मना रहे हैं और आगे हैं इंडिया। तो ये हिंदुस्तान के पहलवान के गांव से आए लोग हैं जो अपने हीरो का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और सिर्फ ये नहीं, देखिए सभी बच्चे आपको दिखाई देंगे। आप भी कुश्ती करते हैं? हाँ, हम भी कुश्ती करते हैं। तो कौन सी वेट कैटेगरी में खेलने का सपना लिया है? कौन सी वेट कैटेगरी में खेलना चाहते हो? हाई वेट में। हाई वेट में, तो वेट कैटेगरी तैयार है। तो कितने साल से कुश्ती कर रहे हो? 4 साल से। 4 साल से। ओलंपिक में पदक जीतना आसान लगता है कि मुश्किल? अगर मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान है। मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान है, ये वो हौसला है, वो हौसला। रवि दहिया के गांव से वो छोटे छोटे हमारे भविष्य के ओलंपियन भी जो है वो रवि दहिया का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। गोनिका अरोड़ा के पास चलते हैं, वहां भी जबरदस्त इस वक्त माहौल बना हुआ है। गोनिका, देखिए बिल्कुल उसी गेट के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। वीआईपी गेट है दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां से अब चंद ही मिनटों में जो तमाम ओलंपियंस हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। गेट खोल दिया जा चुका है, अब कहें तो अगले कुछ सेकंड्स में वो बाहर निकल आएंगे। इंतजार जो इस घड़ी का सबको था, वो घड़ी अब आ चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ी के हैं गए हैं, पूरे तरीके इस पूरे वीआईपी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। खिलाड़ी बाहर निकलेंगे और हॉकी है, इसके अलावा थोड़ी आवाज कट, गोनिका की आवाज साफ नहीं पहुंच रही हम तक, लेकिन जो तैयारियां दिखा रही हैं गोनिका, उसका मतलब यह है कि कभी भी खिलाड़ी बाहर निकल सकते हैं। और अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि देखिए रवि दहिया का मास्क लग गया है और पवन नारफ पूरा मजे में है और वो इस माहौल में ढल गए हैं, है ना, इन परिस्थितियों में ढाल दिया है। मतलब काफी अरसे के बाद इतने टाइम के बाद गोल्ड आया और वो भी मेरी सिटी, वेरी प्राउडली। तो शब्दों में बयां कर पा रहे अपनी खुशी को या कम है? खुशी जो बजरंग की स्माइल लगाई है उससे कहीं ज्यादा स्माइल इनके मास्क के पीछे की स्माइल है। और यहाँ आगे चलिए, देखिए ढोल नगाड़े मालाएं सब, रवि दहिया के फादर हैं, रवि दहिया के फादर यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो उनसे जरा बात करते हैं। सामने देखिए रवि दहिया का परिवार यहाँ पहुंच चुका है, आइए जरा उनसे बात करते हैं। माला लेकर पहुंचे हैं और ये वो सब पहलवान हैं जो आए हैं। आप भी कुश्ती करते हैं, तो रवि दहिया से क्या प्रेरणा मिल रही है, लग रहा है? रवि दहिया 2024 में गोल्ड मेडल लाएगा। देखिए अगला प्लान तैयार है, कह रहे हैं कि 2024 में गोल्ड लेके आएगा। सर ये लम्हा, इसका सालों तक आपने तपस्या के साथ इंतजार किया है, लगा आपको मेहनत का फल मिला? इस सफलता में रवि दहिया के पिताजी की और रवि दहिया का। अच्छा देखिए, पहला वीडियो भी आ चुका है इंडिया टीवी के पास, सबसे पहले एक्सक्लूसिव वीडियो है जब खिलाड़ी अंदर एयरपोर्ट में टर्मिनल के अंदर हैं अभी तो, और थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है अब हैं तो हमारे हीरोज, लेकिन जो कस्टम्स का और बाकी सब जो सबके लिए एक तरीका होता है इंटरनेशनल इमिग्रेशन से निकलने से निकलना, लेकिन इनको ना निकलने भी नहीं दे रहे होंगे, सब सेल्फीज भी ले रहे होंगे अंदर एयरपोर्ट में। और हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ कस्टम्स के हो या फिर वहां के बहुत सारे कस्टम के शॉप्स होते हैं वहां पर, हम देखते हैं जब वो खिलाड़ी निकलते हैं, जब जा रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने हौसला अफजाई की थी, सबने लाइनअप करके तालियां बजाई थी जब वो हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी जाते थे,
तो पूरे जो एयरपोर्ट में जो वहां पर एम्प्लॉइज हैं, जो वहां पर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, जो वो वहां पर सारे बाहर आकर इनके लिए तालियां बजा रहे थे, तो अब वापस आएंगे तो सेल्फियां भी होंगी इनके साथ, सुपरस्टार्स के साथ। नहीं, मुझे लगता है एयरपोर्ट के अंदर भी जोरदार स्वागत हुआ होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, वो वीडियो भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। बिल्कुल, और स्वागत होना बनता भी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव, सबने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन बाहर जो है मास्क का कोई नामो निशान नहीं है। बाहर अरे सर, आप जोश देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स में से एक हैं, अब बिना मास्क के पहचान के दिखाइए जी। ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सबके एक्चुअली चेहरे पर लाइट भी नहीं आ रही है, तो पहचानना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ से। इस चैलेंज में मैं हार गया आपसे, लेकिन एक बात तो है कि अब जैसे जैसे हमारे टीम बाहर आएंगे, थोड़ी सी लाइट पड़ेगी ना इन पे, तो अगर बिना मास्क हटाए भी पहचानने में हम मास्क पहना हुआ है, बहुत से लोग खिलाड़ियों ने वो फेस शील्ड भी लिया हुआ है। ये दरअसल ये तो एयर ट्रैवल की आजकल मैंडेटरी चीजें हैं, ये करनी पड़ती हैं। और थोड़ी देर में बाहर निकलने वाले हैं खिलाड़ी, और जैसा आपने आपको दिखाया अभी रवि, वो कोशिश कर रहे थे पवन रवि दहिया के पिता वहां पर पहुंचे। सोचिए उस पिता के लिए आज कितना बड़ा दिन होगा कि फोन पर तो उन्होंने बात कर ली होगी, वीडियो कॉल भी कर लिया होगा अपने बेटे से, लेकिन जब वो आज देखेंगे, मिलेंगे अपने बेटे से, गले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो स्वागत दिखेगा आज अपने इन पेरेंट्स को, परिजनों को जब दिखेगा कि किस तरीके का स्वागत देश उनके लिए कर रहा है, कैसे हर टीवी चैनल पर, हर अखबार में, हर वेबसाइट में किस तरीके का यहाँ पर इनका स्वागत की तैयारी है। यहाँ पर सौरभ जी भी खड़े हैं, समीप राजगुरु भी खड़े हैं, कौनिका भी है, पवन नारा है, बड़े बड़े पैनल्स यहाँ पर तैयार हैं उनके स्वागत के लिए। तो ये जो माहौल दिखेगा ना, तब उनको आज मुझे लगता है उनको एहसास हो रहा होगा कि उनके बच्चों ने, उनके बेटे ने, बेटियों ने कमाल क्या किया है। और इसमें से ये समीप ये भी हजरा व्यूअर्स को बता दीजिए, हमारे जो ये पदक विजेता है, इसमें से पहली बार ओलंपिक खेलने वाले कौन कौन जी? इनमें से अगर पहली बार की बात करें तो सबसे बड़ा आपका जो सुपरस्टार है वही पहली बार गया था, नीरज चोपड़ा पहली बार गए थे, गोल्ड मेडल लेकर आए। लवलीना पहली बार गई, गोल्ड मेडल लेकर आई, माफ कीजिएगा, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। तो ऐसे में अगर आप देखें, रवि दहिया आपके सिल्वर मेडलिस्ट, पहली बार गए, पहली बार में मेडल लेकर आए, तो अपने आप में कमाल किया है। बजरंग पुनिया, क्योंकि बजरंग पुनिया रियो में शायद थे या नहीं थे, मुझे अब ध्यान देना पड़ेगा, बाकी शायद, लेकिन तीन तो ऐसे पक्का है जो पहली बार ओलंपिक्स में, पहली बार ओलंपिक जैसे स्टेज पर जाना और पदक लेकर के आना। अब ये देखिए जरा रंग एक बार फिर, आप एयरपोर्ट के बाहर नाचते हुए खिलाड़ी है, ये यहाँ की तस्वीर है, ब्लू कलर में पहुंच के आए हैं ये। हाँ, समर्थकों का जोश देखने लायक है, इस तरह की तस्वीरें एयरपोर्ट पर। ये सचमुच स्वर्ण गोल्ड जीत पाने में कामयाब रहा, इससे पहले ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में हमने इंडिविजुअल गोल्ड नहीं जीता था, तो ये सचमुच ऐतिहासिक लम्हे हैं। यहाँ झंडे बैनर के साथ यहाँ तरीके के लोग इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक स्पेशल ढोल बजाने वाली टीम वहां पहुंची हुई है और जबरदस्त माहौल बना रखा है इस टीम ने। फिर एक बार गोनिका के पास चलते हैं। गोनिका बता रही थी आपकी, कभी भी खिलाड़ी बाहर निकल सकते हैं। ये रहा वो एग्जिट गेट, देखिए बिल्कुल इंतजार उसी चीज का है कि खिलाड़ी अब कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे। सिर्फ अगर कहें कुछ मिनट की बात, खिलाड़ी इस गेट से बाहर निकलेंगे, अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो रही होंगी, और उसके बाद क्योंकि जाहिर तौर पर फैंस भी अंदर होंगे जो कि एयरपोर्ट पर अपने आने जाने के लिए वहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने ओलंपियंस को जब यहाँ वहाँ पर देखेंगे तो हर कोई उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहेगा, हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहेगा। और उसी उसके बाद अब कुछ ही देर बाद खिलाड़ी जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से सीधा अशोका होटल जाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर उससे पहले उन तैयारियां की गई हैं, जो तैयारियां हैं जिस तरीके से उनके स्वागत के लिए ढोल लगा, इसके अलावा बैंड बाजा बज रहा है, वो जाहिर तौर पर दृश्य उन्हें जरूर खुश करेगा। परिवार हुए अब बच्चे देंगे, और सिर्फ परिवार ही नहीं, इस वक्त पूरा भारत परिवार अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है, अपने खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा है कि कब से बाहर निकलेंगे, कब वो उनकी पहली झलक देखेंगे। तो वहां
यहाँ पर दरअसल इस वक्त जो माहौल है उसके बीच में से रिपोर्टिंग करना भी समीप में भी कह रहे थे बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, और क्योंकि शोर इतना है, सुनाई नहीं देता, सवाल नहीं पता चलते। मैं तो कई बार एयरपोर्ट में गया हूँ जब इस तरीके का माहौल हुआ है, ओलंपिक्स में जब हमारे जो एथलीट्स हैं वो मेडल लेकर लौटते हैं या एशियन गेम्स से तो या फिर क्रिकेट टीम जब जीत कर आते हैं, एयरपोर्ट में होना अपने आप में एक चैलेंज होता है रिपोर्टिंग करना। और ये देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं और यहाँ पे चाहे वो हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल ढंगाड़ा बज रहा है, तो यहाँ से रिपोर्टिंग टफ है लेकिन सबसे मजेदार भी है और इस मजेदार माहौल को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।